Hello students, welcome to my channel. This is Suruchi Ruchani and today we'll be starting the first poetry from First Write textbook, which is Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost and this is a very short and simple poem, and it gives us the message that sometimes in our life there are some very small things that create a big difference and help us in a significant manner. So let's start this poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. यहाँ पर hemlock एक पेड़ है जिसकी poisonous flowers होते हैं, और shook जो है वो shake की second form होती है, तो shook का मतलब है shake, कोई चीज़ को shake करना, और rued का मतलब होता है held in regret, किसी चीज़ के लिए पछताना. तो बेसिकली इस पोएम में जो पोएट है वो हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं वो वहाँ से उसके आसपास से निकल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं या वो वहाँ से निकल रहे हैं. तो वो उस पेड़ के पास हैं और उनका मूड ख़राब है बिकॉज ऑफ सम अननोन रीज़न विच इज़ नॉट गिवन इन द पोएम. किसी रीज़न की वजह से उनका मूड ख़राब है, तो वो परेशान थे और वो उस पेड़ के पास थे. सडनली उस पेड़ के ऊपर एक क्रो आता है और वो उसकी ब्रांचेस को शेक करता है, तो पेड़ के ऊपर थोड़ी स्नो थी, तो वो जैसे ब्रांच को शेक करता है क्रो, वो स्नो डस्ट के फॉर्म में पोएट के ऊपर आके गिरती है. और जैसे ही पोएट के ऊपर वो स्नो आके गिरती है, पोएट उस स्नो के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उनको सडनली बहुत अच्छा फील होता है और उनका जो मूड ख़राब था वो चेंज हो जाता है और अब वो खुश हो जाते हैं, उनका मूड ठीक हो जाता है. तो वो कहते हैं मूड ख़राब होने की वजह से जो मेरा दिन अब तक बुरा गया था अब वो ठीक हो गया, और बाकी का दिन मेरा ख़राब होने से बच जाएगा. अब तक जो दिन मैं बहुत सोच रहा था कि मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, सब बेकार हो गया और मेरा मूड ऑफ था, लेकिन अब जो बाकी का दिन है मेरा बचा हुआ वो ख़राब होने से बच जाएगा, क्योंकि अब वो स्नो गिरने से वो एकदम रिफ़्रेश हो गए, उन्हें अच्छा लगा, वो नेचर के कॉन्टेक्ट में आए, तो ही फेल्ट रियली गुड. And that's why he got really happy कि हाँ अब मैं अपना बाकी का दिन अच्छे से स्पेंड कर सकता हूँ. So what the message is being given by this poem is कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी उन चीज़ों को जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिन्हें हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, जिन चीज़ों की हमारी नज़रों में कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं होती, वही चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, एक ब्लेसिंग दे जाती हैं हमको. तो नेचर हमें जो भी ब्लेसिंग्स दे रहा है हमें उन सबको संभाल के रखना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए नेचर की दी हुई ब्लेसिंग्स से, और नेचर के कॉन्टेक्ट में हम हमेशा हैप्पी फील करते हैं, हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हमें हमेशा खुशी मिलती है नेचर के कॉन्टेक्ट में आने से. तो हमें कभी भी किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट नहीं समझना चाहिए. जैसे कि क्रो है, क्रो को हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, लेकिन उसी क्रो की वजह से वो स्नो उसके ऊपर फॉल हुई पोएट के ऊपर और पोएट का मूड एकदम से अच्छा हो गया. तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे हमें इनऑस्पिशियस मानना चाहिए या इनसिग्निफिकेंट मानना चाहिए. हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. कब कौन सी चीज़ हमारे लिए एक ब्लेसिंग लेकर आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते. तो इसीलिए लाइफ की हर चीज़ को, नेचर की हर चीज़ को अच्छा समझना चाहिए हमें, और उनसे हमें हमेशा पॉजिटिव साइड उनकी देखनी चाहिए, और उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है उन सबको हमें चेरिश करना चाहिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच.